दोस्तों, अगर आपने अपना खाता मेघालय रूरल बैंक के अंदर खुलवा रखा है और उसके अंदर आपकी डीबीटी लिंक नहीं है, तो आज की इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि आप अपने अकाउंट के साथ में डीबीटी को कैसे लिंक कर सकते हो। अगर आपका जो है आधार सीडिंग स्टेटस वो इनएक्टिव आ रहा है, तो आप उसको एक्टिव कैसे कर सकते हो, और ये प्रोसेस मैं आपको जो है पूरा का पूरा ऑनलाइन बताने वाला हूँ। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी एटीएम पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पर भी नहीं जाना है। आपके काम अपने घर बैठे अपने ही फ़ोन से कर सकते हो। मेघालय रूरल बैंक के अंदर आप अपने आधार को अपने अकाउंट के साथ में कैसे लिंक करोगे, कैसे उसकी डीपीटी एनपीसीआई को करोगे, सारा कुछ जो है इस वीडियो से आपको पता लगने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए आपको एंड तक देखना होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद एस एस यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लो, ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर डिस्प्ले पर देख सकते हो, यहाँ हमने इसकी साइट ओपन कर रखी है। इसी तरीके से आपको भी इसी साइट पर आना है और साइट का नाम है npci.org.in। यहाँ पर इस वाली साइट पर आने के बाद में, इसको सर्च करने के बाद में इस साइट पर आ जाएंगे आप। और यहाँ जो है आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस जब दिखाई देगा, तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कंज्यूमर का। एरो का निशान बता रहा है आपको, एक ऑप्शन दिखाई देगा कंज्यूमर का। इस कंज्यूमर वाले पर ही आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंज्यूमर वाले पर क्लिक करोगे, तो यहाँ नीचे में एक ऑप्शन आपको और दिखाई देगा, भारत आधार सीडिंग। तो इस भारत आधार सीडिंग पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एंटर योर आधार वाले ऑप्शन में यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है, एरो का निशान बता रहा है। उसके बाद में यहाँ सीडिंग पर टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ फ्रेश सीडिंग का ऑप्शन आएगा, इस पर टिक कर देना है और यहाँ से अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है मेघालय, तो यहाँ से आपको जो है इस तरीके से जो है यहाँ पर मिल जाएगा मेघालय रूरल बैंक। तो ये आ गया, यहाँ से सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद में जो है यहाँ पर जो है अपना अकाउंट नंबर डालना है और कंफर्म अकाउंट में भी अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। अकाउंट नंबर आपको आपकी पासबुक पर देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसमें भी अकाउंट नंबर डालना है और इधर जो है इसमें भी अकाउंट नंबर दोनों में डाल देना है, एरो का निशान बता रहा है। उसके बाद में जो है यहाँ पर ये दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, इनको दोनों को इस तरीके से आपको यहाँ पर टिक कर देना है। दोनों जब ये टिक हो जाएंगे, उसके बाद में स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जो है आपको ये कैप्चा देखने को मिलेगा, जिसको आपको जो है यहाँ पर डालना होगा एंटर अबाउ कैप्चा के अंदर। ये जो पूरा का पूरा कैप्चा है, एंटर अबाउ कैप्चा में डाल देना है। उसके बाद में यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो जब आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर दोगे, तो उसके बाद में जो है आपके सामने एक दूसरा पेज आएगा, जिसमें आपसे ओके करने के लिए बोला जाएगा। जब आप वहाँ पर ओके कर देंगे, तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद में जो है जैसे ही सबमिट करोगे, उसके बाद में आपके सामने एक लोडिंग चलेगी, प्रोसेसिंग चलेगी, और वो प्रोसेसिंग पूरी होने देना है। 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है, बैक नहीं करना है। जब वो प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद में नेक्स्ट पेज आएगा, जिसमें सक्सेस लिख करके आ जाएगा और आपकी जो डीबीटी एनपीसीआई है वो लिंक हो जाएगी ऑनलाइन। तो इस तरीके से घर बैठे जो है आप अपने बैंक के साथ में डीबीटी एनपीसीआई को लिंक कर सकते हो, आधार को लिंक कर सकते हो, आधार सीडिंग स्टेटस जो कि आपका इनएक्टिव है उसको एक्टिव कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।